In this video, I'll start surface areas for cone. So, cone पता है इस shape का होता है अगर इसको two dimensional में draw करेंगे तो. This is the radius and this is the height. ये height perpendicular height है. लेकिन cone में एक और height होता है, ये side वाला. इसको बोला जाता है slant height. और रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट एल से. जैसे देखो ये कोन है, ओके. सो इसमें जैसे हर चीज का होता है टोटल सरफेस और कर्व्ड सरफेस, वैसे इसका भी होगा. तो इसका कर्व्ड सरफेस कौन सा होगा? ये पूरा पोर्शन, ये जो लाइन लाइन वाला पूरा पोर्शन है. और इसमें टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस. और इसका बेस किस शेप का है? सर्कल का. तो इसका अगर सी एस से लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल. एल मतलब स्लैंट हाइट. और टी एस ए के लिए क्या बोले थे? कर्व्ड सरफेस मतलब पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस. और बेस किस शेप का है? सर्कल का. तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. यहां से पाई और आर कॉमन ले सकते हैं तो यहां बन जाएगा एल. और आर स्क्वायर है मतलब एक आर और बच रहा है तो आर. ये डेरिवेशन क्यों दिखाए? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है इस तरह से. तो ये होता है कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला और ये है टोटल सरफेस का फॉर्मूला. एक और ऑब्जर्वेशन का बात है कि यहां पर एक राइट ट्रायंगल बन जाता है. ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां 90 डिग्री है, इस वजह से ये हाइपोटेन्यूज होगा. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर. अब ये स्क्वायर को रूट ओवर करने, ये टू हटाने के लिए रूट ओवर करना होगा तो एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. या कहीं कहीं पर लिखा रहता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो एक ही बात है. तो ये चीज क्यों दिखाएं? क्योंकि बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन आएगा जहां स्लैंट हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा तो इस मेथड से करना पड़ेगा. बहुत इजी है. और इस वर्कशीट में ज्यादातर जैसे वाइट वॉश करना है या टेंट बनाना है तो ये सब चीज में कर्व्ड सरफेस ही कैलकुलेट होता है. क्योंकि अगर एक टेंट बनेगा तो सिर्फ साइड में ही तो कपड़ा लगेगा, जमीन में तो लगेगा नहीं. फिर वाइट वॉश करना है तो भी कर्व्ड सरफेस, पेंट करना है तो भी कर्व्ड सरफेस. इस तरह से ध्यान रखेंगे. नाउ स्टार्टिंग द वर्कशीट. पहला क्वेश्चन बहुत इजी है. डायमीटर दे दिया 10.5 सेंटीमीटर. तो यहां से रेडियस निकल जाएगा 10.5/2 और स्लैंट हाइट मतलब एल दे दिया 10 सेंटीमीटर. तो सी एस ए होगा पाई आर एल. पाई के बदले 22/7, आर के बदले 10.5/2, एल के बदले 10. ये इससे 11 पे कट गया और ये 1.5 पे कट गया. सो 11 × 1.5 × 10 आंसर आएगा. यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है. एक बात और है, यहां पर लिखा है कि अज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. तो हम लोगों को पता है कि पाई का दो वैल्यू होता है, 22/7 और 3.14. लेकिन जब तक 3.14 यूज करने नहीं बोलेगा तब तक हम लोग 22/7 ही लिखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन भी खुद से करना है. स्लैंट हाइट दे दिया मतलब एल दे दिया और डायामीटर दे दिया, वहां से रेडियस निकाल सकते हैं. फिर टी एस ए निकालने के लिए पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी खुद से करने देंगे हम. सो इसमें क्या है कि सी एस ए दे दिया तो सी एस ए इक्वल्स टू 308. सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल्स टू 308. पाई के बदले आई राइट 22/7,
रेडियस निकालने बोला है, तो रेडियस नहीं पता तो आर, और स्लैंट हाइट दे दिया 14। तो ये तो पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस निकल जाएगा। इसके बाद बोला है फाइंड द टी से, तो फॉर्मूला में पुट करना है। सो क्वेश्चन 3 भी खुद से करना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में टेंट का कॉनिकल हाइट दिया है, एफ लिखा है। कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, सिर्फ 10 मीटर हाई लिखा है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो इसका मतलब 10 मीटर ये वाला हाइट है। तो गिवन एच इक्वल्स टू 10 मीटर और रेडियस ऑफ द बेस है 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट मतलब एल निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर आर के बदले 24 का स्क्वायर और एच के बदले 10 का स्क्वायर, फिर रूट ओवर, तो 24 का स्क्वायर आ रहा है 576, 10 का स्क्वायर 100, तो ये ऐड होकर आ गया 676, ये 26 का स्क्वायर रूट है, तो स्लैंट हाइट आ गया 26 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में है कि कैनवस कॉस्ट ऑफ द कैनवस मतलब कपड़ा टेंट को बनाने का खर्चा कितना रहेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग टेंट बनाना है ना, तो बेस तो रहेगा नहीं, तो कर्व सरफेस निकालेंगे, सी एस ए ऑफ टेंट। ये जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया कपड़ा चाहिए, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस के लिए इंटू 70 कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी देर में कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करना है। स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर दे दिया, डायमीटर से रेडियस हर बार ध्यान में रखना, कैलकुलेट करना है। सो एल इक्वल्स टू 25 मीटर और रेडियस इक्वल्स टू 14/2, 7 मीटर। वाइट वॉश करना मतलब सी एस ए निकालना, तो सी एस ए इक्वल्स टू पाई आर एल, यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। सो 7 7 कट गया, 22 × 25 आएगा 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पर कॉस्ट निकालना है तो वो लोग दिया है 210 पर मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर। जब 1 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से देता है तो हम लोग डायरेक्टली वो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ 100 मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स टू क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो रफ में एक चीज कर लेते हैं कि अगर 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 210/100, 100 डिवाइड हो जाएगा ना। तो अब जब 1 मीटर स्क्वायर का आंसर मिल गया तो उसको 550 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपीज़ है वही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू 550 × 210/100, तो 55 × 21 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो खुद से करना है, आई वोंट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड में बैरिकेड्स लगा हुआ रहता है, इस तरह से कोन रहता है लगा हुआ ऑरेंज वाइट कलर में, तो वही 50 हॉलो कोन्स लगाना है। सारे कोन्स का बेस डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा 20 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है, हाइट है इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये वाला हाइट है 1 मीटर का। अब इन सारे कोन्स को पेंट करना है, पेंट करना मतलब सी एस ए चाहिए, सी एस ए है तो एल चाहिए, तो एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन
रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है, यूनिट सेम करेंगे तो किसको करें, मीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर में? उसके पहले ये देखो कि जब कॉस्ट दिया हुआ है तो वो लोग पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है, तो इसका मतलब हम लोग भी आंसर मीटर में ही रखेंगे। सो दिस विल बी 20/100, इसका मतलब 0.2 मीटर। तो यहाँ रेडियस के बदले लिखेंगे 0.2 का स्क्वायर और हाइट के बदले 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 और हाइट के बदले 1, तो यहां लेंथ आ गया रूट ओवर ऑफ 1.04। इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हिंट में ऑलरेडी दे दिया 1.04 का रूट को 1.02 लेना है, तो स्लैंट हाइट मिल गया। अब लिखेंगे सी एस इक्वल्स टू पाई इंटू आर, रेडियस है 0.2 इंटू एल 1.02। साथ ही यहाँ पर ये लिखा है कि पाई के बदले 3.14 लेना, तो इस पाई के बदले 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.64056 मीटर स्क्वायर, काफ़ी छोटा है। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड, ये तो सिर्फ एक कोन का था लेकिन हम लोग को तो 50 कोन्स पेंट करना है, तो 0.64056 इंटू 50 मीटर स्क्वायर, तो ये आ रहा है 32.028 मीटर स्क्वायर। देयरफोर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इंटू 12 कर देंगे इसमें, वो देख लेना क्या आंसर आ रहा है। अब एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइंड द लेंथ ऑफ टर्पोलिन। तो टर्पोलिन मतलब मटेरियल है एक, तो उससे एक टेंट बनाना है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है उससे हमको एक टेंट बनाना है कोनिकल शेप का। तो इस कपड़ा का विथ 3 मीटर है, मतलब ये इसका कितना लेंथ होगा ताकि ये टेंट बन पाए। तो टेंट बनाने के लिए तो हम लोग हमेशा सी एस ए कैलकुलेट करते हैं, तो जितना टेंट का एरिया होगा उतना ही कपड़ा का एरिया होना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेंट का क्या क्या दिया हुआ है, इसका कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर दे दिया, एच इक्वल्स टू एट मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर। इसका सी एस ए निकालने के पहले एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हेयर एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पूरा कैलकुलेट करके दिखाना है तुम लोगों को, हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं 10 मीटर है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ टर्पुलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट, ये तो एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका एरिया होगा पाई आर एल, पाई के बदले 3.14 यूज करना, 3.14 इंटू रेडियस मतलब 6 इंटू हाइट मतलब 10, और यहां पर हम लोग लेंथ के बदले ब्रेथ के बदले क्या लिख सकते हैं 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे चला जाएगा, वो सब करने से लेंथ आ जाएगा 62.8। लेकिन साथ में ये क्वेश्चन है कि अज्यूम करना है कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज में जा रहा है, पे फोल्ड करने में जा रहा है, एक सीधा रेक्टेंगल से तो टेंट बन नहीं जाएगा, कहीं से काटना पड़ेगा कहीं से फोल्ड करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ टार्पोलिन वेस्टेड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 20/100 0.2 मीटर। देयरफोर रिक्वायर्ड लेंथ कितना होगा, एक्चुअली में लेंथ कितना चाहिए था 62.8 जो हम लोगों का आंसर आया,
लेकिन उसमें 0.2 को ऐड करना होगा वेस्टेज अज्यूम करके, तो 63 मीटर विल बी द आंसर. सो कंप्लीट दिस वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो.